तो यहाँ पे हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग। तो एक क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर। तो तीन ठो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है वो कंप्यूटर में हम ऐसे प्रोग्राम लिखेंगे जो चेक करके हमको मैसेज दिखाएगा कि यही नंबर बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है कि सी, या कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसको, उस प्रोग्राम को लिखेंगे हम, सी में लिखेंगे उस प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए मैं अभी पहले टर्बो सी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे है मेरा टर्बो सी, तो आपका अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा ये टर्बो सी चेक करने के लिए, और उसके बाद इसको टर्बो सी को ओपन करूँगा। यहाँ पे मेरा देखिए स्क्रीन छोटा आ रहा है, तो अगर ऐसे किसी का छोटा आ रहा होगा स्क्रीन, तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका बड़ा आ जाएगा। तो मैं एक न्यू करूँगा, न्यू में न्यू आ गया स्क्रीन। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन था, क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहले कमेंट देना पड़ेगा। कमेंट देने के लिए पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश, जो कि ये जब कंपाइल करते हैं जो, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। जो कमेंट के अंदर रहता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो हम कमेंट के अंदर लिखेंगे क्या था क्वेश्चन, डब्लू राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एमोंग थ्री नंबर। ये हमारा क्वेश्चन था। हाँ, यह क्वेश्चन। तो अभी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पे हैश हेडर फाइल डिक्लेयर करना जरूरी है। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और दूसरा हैश इंक्लूड stdio.h। ये हमारा हेडर फाइल हो गया दोटो। अब मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, void main void main। यहाँ पे हमारा एक पहला स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट रहेगा, इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम में क्वेश्चन में बोला गया है कि थ्री नंबर। तो थ्री नंबर के लिए हमको थ्री ठो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और कौन सा टाइप का वेरिएबल होगा, वो इंटीजर टाइप का, क्योंकि नंबर है, नंबर क्या होता है, इंटीजर टाइप होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, किस टाइप का, इंटीजर। तो इंट ये डाटा टाइप हो गया इंटीजर, ए एक वेरिएबल, बी और सी तीन ठो वेरिएबल। अब इस वेरिएबल में ए बी और सी वेरिएबल में हम इसका वेरू एंटर करेंगे। ए में सपोज में थ्री एंटर कर लें, आप कोई भी वैल्यू देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और बी में मैं सिक्स, और सी में मैं टू दे दिया। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप वेरिएबल, यहाँ पे ए में थ्री आ गया, बी में सिक्स स्टोर हो गया, सी में टू स्टोर हो गया। अब इसको चेक करने के लिए हम स्टेटमेंट लगाएंगे, कंडीशन टाइप स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ यहाँ पे हम चेक करेंगे, ए अगर बी से बड़ा है, साथ में एंड ए अगर सी से भी बड़ा है, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग और क्लोजिंग दे दिया हूँ इफ स्टेटमेंट के लिए। यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, क्या मैसेज करेंगे, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा होगा तो क्या, ए बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो प्रिंट में, प्रिंट अप में क्या लिखेंगे, ए इज ग्रेटर। ठीक है, इफ स्टेटमेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ क्लोजिंग हो गया है। अगर ये फेल होता है कंडीशन, अगर बड़ा नहीं होता है, तो इसके लिए हम एल्स इफ फिर स्टेटमेंट लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे
अगर b a से बड़ा है साथ में b c से भी बड़ा है b a से बड़ा है b c से बड़ा होगा तो हमारा मैसेज क्या आना चाहिए b is greater b is greater ठीक है। अगर ये भी फॉल्स होता है तो हमारा क्या एल्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट अप सी ई ग्रेटर ठीक है। अब ये सेल्स एल्स स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे गेट सी एच लिखेंगे। गेट सी एच क्यों? क्योंकि स्क्रीन को देखने के लिए हम गेट सी एच लिखेंगे और स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्या है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी एल आर एस सी आर ठीक है। अब इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए ऑल्ट एफ नाइन। अब देखिए कंपाइल हो चुका है, उसके बाद एंटर, फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ F9 B इज ग्रेटर। मैसेज क्या आया B इज ग्रेटर। देखिए यहाँ पे A3 था, C का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू 6 है ठीक है, तो B इज ग्रेटर आया। सपोज यहाँ पे मैं A को 13 कर लेता हूँ, अब क्या A 6 से बड़ा है 2 से भी बड़ा है तो A इज 13, तो हमारा क्या A इज ग्रेटर आना चाहिए। तो मैं पहले कंपाइल कर लिया हूँ, उसके बाद रन एज ग्रेटर सही है। सपोज मैं यहाँ पे अभी सी का वैल्यू बड़ा कर लेता हूँ वही प्रोग्राम, तो उसको पहले कंपाइल करेंगे एंटर फिर सी एज ग्रेटर ठीक है। और इसको कैसे सेव किया जाता है, उसको F2 में सेव करेंगे। F2 प्रेस करके यहाँ पे मैं नाम देता हूँ ग्रेटर वन, उसके बाद ओके ठीक है, हमारा सेव हो चुका है। अब इसको क्लोज कैसे करेंगे, क्लोज करने के लिए फाइल में जाएंगे और जो क्विट लिखा हो इसको प्रेस करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो क्लोज हो जाएगा ठीक है। थैंक यू।